हेलो गाइस, वेलकम टू रीड मंत्रा। आज की क्लास में हम अपना क्लास 12 का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, हम पीरियोडिक टेबल पर, जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, हम उस तक कैसे पहुंचे, क्या जरूरत थी क्लासिफिकेशन करने की, वो इन पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड व्हाट आर द ट्रेंड्स इन दोज प्रॉपर्टीज। सो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। क्लासीफाई मतलब अलग अलग कैटेगरीज में रख देना, ग्रुपिज्म कर देना, है ना। जैसे हम क्लास में करते हैं, क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, ये वाले हमें पता है कि ये वाले बच्चे मस्ती करने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं, ग्रुपिज्म हो जाती है ना, बदतमीज है ना, ये शरारती है। हम ऐसे ग्रुपिज्म होता है, ऐसी एलिमेंट्स के साथ भी होता है। अब आपको जो अर्लियर टाइम्स में 1800 में, इन 1800 सिर्फ 31 एलिमेंट्स जाने जाते थे 1800 में, ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन, सिर्फ 31 एलिमेंट्स जाने जाते थे। 1865 में, यानी कि 65 साल बाद, जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और एलिमेंट्स का नंबर जो था ऑलमोस्ट डबल हो गया। सो द नंबर वाज 63 एलिमेंट्स इन 1863। 1863 में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। अब आप सब लोगों को पता है कि हर एक एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द साइंटिस्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो गया था। 63 एलिमेंट्स हैं एंड नाउ मोर देन 114 एलिमेंट्स आर नोन। अभी तक आपके 119 elements are known to us at present. Okay, so since every element was having a different property, so there was a need to classification so as to simplify the study of each and every element. हर एक element की property को हम ध्यान में रखते हुए हम groupism कर देंगे कि ये सारे elements इस property को follow करते हैं, ये सारे elements इस property को follow करते हैं, ये सारे elements इस property को follow करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी classification करने की, groupism करने की। क्यों? Because every element was having different property और हमें अपनी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिस्टमैटिक करने के लिए हमें उन्हें अरेंज करना पड़ेगा। जैसे आपकी बुक्स होती हैं, आपकी इतनी सारी बुक्स हैं तो आप कैसे ढूंढोगे, है ना। तो आप फिजिक्स की अलग रख देते हो, फिजिक्स का रजिस्टर, नोटबुक सब अलग रख देते हो, केमिस्ट्री की अलग रख देते हो, मैथ्स की अलग रख देते हो, बायोलॉजी की अलग, तो आप कितना ऑर्गेनाइज हो जाता है। ऐसे हम एलिमेंट्स के साथ करेंगे। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हमें इसीलिए करने की जरूरत पड़ी बिकॉज एवरी एलिमेंट वॉज हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी और हमें जो सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करें उस ट्रेंड में हमें रखते जाना है एलिमेंट्स को। सो साइंटिस्ट फेल्ट द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी, एक टर्म है पीरियोडिसिटी, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर अ सर्टेन गैप, सर्टेन गैप के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, जो कि हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट वाज द जेनेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या जेनेसिस था, जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे हैं आज, हम कैसे पहुंचे, व्हाट वाज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले कोई साइंटिस्ट आया होगा, उसने अपना कुछ सजेशन दिया होगा, फिर उसके बाद उसके कुछ सक्सेस रही होगी, उसके कुछ डीमेरिट्स रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया होगा, ऐसे ऐसे करके हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर पहुंचे होंगे। तो पहला हम स्टार्ट करें, दैट इज डोबिनियर ट्राइब्स। नाउ द फर्स्ट वन इज डोबिनियर ट्राइब्स। डोबिनियर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, डोबिनियर ट्राइब्स। डोबिनियर सबसे पहले साइंटिस्ट थे क्लासिफिकेशन करने के लिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एलिमेंट्स, जो आपका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा, दैट वाज एटॉमिक मास। जो क्राइटेरिया था वो था आपका एटॉमिक मास, उन्होंने बोला एटॉमिक मास। डोबिनियर ने क्या किया, ट्रायड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री। इसका क्या मतलब होता है, ग्रुप ऑफ थ्री, मतलब उन्होंने एलिमेंट्स को तीन के ग्रुप में रखा। तीन के ग्रुप में ऐसे रखा, मान लीजिए आपका ए बी एंड सी, उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे तीन के ग्रुप में रखा और कहा कि बीच वाले एलिमेंट का जो मास होगा, दैट विल बी द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड वन। यानी कि जो मास होगा बी का जो एटॉमिक वेट होगा, दैट विल बी द एवरेज ऑफ, यानी कि ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू।
ठीक है. सो डॉबिनर ने क्या किया, डॉबिनर ने तीन के ग्रुप्स बनाए और उनमें एलिमेंट्स को ऐसे रखा कि जो मिडल वाले का एटॉमिक वेट है दैट वाज द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन. ठीक है, तो इन्हें एग्जांपल से देखते हैं. एग्जांपल से उसने क्या किया, उसने सबसे पहला ट्रायड बनाया, दैट वाज सबसे पहला जो उसने ट्रायड बनाया, ट्रायड वन. ट्रायड वन क्या था आपका, लिथियम सोडियम और पोटेशियम. लिथियम सोडियम पोटेशियम उन्होंने तीन एलिमेंट्स को रखा, तीनों एलिमेंट्स को तीन के ग्रुप में रखा. लिथियम का मास कितना होता है, लिथियम का मास होता है आपका 7. लिथियम का मास होता है 7. सोडियम का कितना होता है 23. पोटेशियम का कितना होता है आपका 39. तो डॉबिनर ने कहा क्या कहा था, अभी मैंने आपको बताया कि मिडल वाले का जो मास है यानी कि जो एटॉमिक वेट है किसका, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम will be the average of atomic mass of first and the third one. यानी कि 7 plus 39 divided by 2, this will be, ये कितना हो जाएगा, 46. 46 divided by 2, this will be 23. और 23 was the atomic weight of, या mass of sodium. Clear हुआ? This was the first triad. ये था उनका पहला triad. Now what was the second triad? उन्होंने दूसरा triad भी बनाया और दूसरा triad आपका क्या था? Triad 2. That was calcium, strontium and barium. Calcium का atomic weight 40, strontium का 87.6, barium का 137.3. ये आपके क्या होते हैं एटॉमिक मास, कैल्शियम का 20, स्ट्रॉन्शियम 87.6 एंड बेरियम 137.3. तो दूसरा सेम रूल अप्लाई होगा किस पे, इस वाले पर्टिकुलर ट्राइड में. स्ट्रॉन्शियम का जो आपका एटॉमिक मास आएगा, एटॉमिक मास किसका, एटॉमिक वेट किसका, स्ट्रॉन्शियम का, दैट विल बी इक्वल टू 40 प्लस 137.3 डिवाइडेड बाई 2. इसको आप सॉल्व आउट करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 88, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 87.6. ठीक है, तो बीच वाले का जो एटॉमिक मास है दैट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड वन. नाउ द ही मेड द थर्ड ट्राइड, उन्होंने तीसरा ट्राइड बनाया. थर्ड ट्राइड आपका क्या था, ट्राइड 3. तीसरा ट्राइड जो उन्होंने बनाया वो क्या था, तीसरा ट्राइड था आपका क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127. ठीक है, तो सिमिलरली जो ब्रोमीन का मास होगा यानी कि जो मेटल वाले का मास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ब्रोमीन का एटॉमिक वेट. ब्रोमीन का आपका क्या एटॉमिक वेट विल बी इक्वल्स टू 35.5 प्लस 127 divided by 2 and this will come out to be equals to 80. So he successfully made 3 triads. उन्होंने successfully 3 triads बनाए, लेकिन उसके बाद वो और triads यानी कि और elements को इन triads में नहीं रख सके because they were not following the same pattern. वो same trend follow नहीं कर रहे थे. Okay. So डॉबिनर का सक्सेस ये था, सक्सेस पॉइंट क्या था डॉबिनर का, दैट ही वॉज एटलीस्ट ही गेव अ आइडिया अबाउट द क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टीज तो इनकी हो रही है ना, रिपीट प्रॉपर्टी तो ये सारे क्या हैं, आपके मेटल्स हैं, ये आपके सारे मेटल्स हैं, ये आपके सारे नॉन मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, राइट. ये क्या है आपके मोनोएटॉमिक हैं, ये आपके डाई एटॉमिक और ये आपके क्या है गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये सारे नॉन मेटल्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है, प्लस ये सारे सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. बट आफ्टर द थ्री ट्राइड्स ही वाज नॉट एबल टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द इन पर्टिकुलर. फिर डॉबिनर के बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आए. न्यूलैंड जो थे उनको म्यूजिक का बहुत शौक था, उन्होंने क्या किया म्यूजिक और केमिस्ट्री को मिला दिया और अपना लॉ दिया. ठीक है, ऑक्टेव्स का मतलब होता है म्यूजिक नोट्स, म्यूजिक में जो नोट्स होते हैं वही आपके क्या होते हैं ऑक्टेव्स होते हैं. तो उन्होंने क्या बोला, जैसे म्यूजिक में नोट्स होते हैं आपके 7, क्या क्या 1 2 3 4 5 6 7 सा रे ग म प द नी एंड देन अगेन सा. ठीक है, तो
न्यूलैंड ने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाता है तो हर एक 8th एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करता है. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, जब भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मास का, तो एवरी 8th एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करता है. कैसे करता है, जैसे कि आपका है लिथियम, लिथियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नियन आता है लेकिन नोबल गैसेस तब तक डिस्कवर नहीं होती. फ्लोरीन के बाद सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन डिस्कवर नहीं होती बिकॉज दैट इज अ नोबल गैस, आर्गन पोटेशियम एंड देन कैल्शियम. तो 7 के बाद क्या आएगा, 8, 7 के बाद 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. ओके, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने कहा था जब एलिमेंट्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो, किसका, एटॉमिक मास का, तो हर एक 8th एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करता है. जैसे कि म्यूजिक के नोट्स में सा कब रिपीट होता है, 7 के बाद, यानी कि 8 पे आपका सा रिपीट होता है. ऐसे ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट 8 के, जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट की तरह प्रॉपर्टीज शो करेगा. फर्स्ट विल बी सिमिलर टू द 8th, सेकेंड विल बी सिमिलर टू द 9th, थर्ड विल बी सिमिलर टू द 10th, फोर्थ विल बी सिमिलर टू द 11th, फोर्थ 11th के सिमिलर होगा. समझ में आ रही बात, और इसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी का क्या मतलब होता है, कि प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर अ सर्टेन गैप ऑफ एटॉमिक मासेस. वो गैप किसी भी चीज का हो सकता है, बट यहाँ पे क्योंकि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है तो मतलब है कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रिपीट होंगी या सेम ट्रेंड, या फिर उनमें ग्रेजुअल चेंज आएगा, बहुत ग्रेजुअल चेंज आएगा. यानी कि जैसे लिथियम से आप सोडियम पे जाते हो तो प्रॉपर्टीज ट्रेंड तो वही फॉलो करेगा, बट देयर विल बी अ ग्रेजुअल चेंज. ठीक है, तो इसी यही था आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा और एवरी 8th एलिमेंट वाज रिपीटिंग द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट वन. लाइक सेकंड इज सिमिलर, 9th इज शोइंग द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द सेकंड, 10th इज शोइंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू द थर्ड. देन दिस वॉज अ सक्सेस पॉइंट. ये इनका सक्सेस पॉइंट था कि ही वॉज एबल टू अरेंज द एलिमेंट्स टिल कैल्शियम. एक्चुअली उन्होंने 56 एलिमेंट्स अरेंज करे थे, बट ये जो ट्रेंड था, ये जो पीरियोडिसिटी थी, ये सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो हो पाया था. एंड यही इनका क्या था, डिमेरिट था या फेलियर था, लिमिटेशन था. ठीक है, दैट दे वर एबल टू अरेंज द एलिमेंट्स अप टू द कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम तक ही ट्रेंड फॉलो हो रहा था, यानी कि लाइटर एलिमेंट्स में ही ये ट्रेंड फॉलो हो रहा था. ठीक है, बाकी बाकी कैल्शियम के आगे देयर वाज नो सच पीरियोडिसिटी. ये 8th एलिमेंट पहले की तरह प्रॉपर्टी शो करे. ठीक है, तो ये था इनका पहला ड्रॉबैक. ड्रॉबैक पहला तो यही था, मैं लिख देती हूँ यहीं पे. व्हाट वाज अ ड्रॉबैक, ड्रॉबैक दैट दिस ट्रेंड वाज फॉलोड, दिस ट्रेंड वाज फॉलोड अप टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक ही ये ट्रेंड फॉलो हो पाया. दूसरा ये कि जब तक इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किया था तो तब तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो नोबल गैसेस से फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियॉन. नियॉन इज अ नोबल गैस, तो उसे आप कहाँ रखोगे, इसमें तो देर इज नो सच. अगर रख भी दिया तो देर विल बी अ एंटायर डिस्टर्बेंस इन द पर्टिकुलर अरेंजमेंट, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो इन्होंने पहली बात तो आगे फर्दर एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उसके लिए कुछ नहीं बताया था. दूसरा, इन्होंने नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं छोड़ी थी. वेन नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, एंड वेन दे गेट डिस्कवर्ड देन वेयर विल यू प्लेस दोज नोबल गैसेज, उन नोबल गैसेज को आप कहाँ रखोगे, अगर रखोगे तो द एंटायर अरेंजमेंट विल बी डिस्टर्ब. ओके, सो सेकेंड क्लासिफिकेशन वॉज नो स्पेस फॉर नोबल गैसेज. नोबल गैसेज के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी फॉर नोबल गैसेज. ओके, सो ड्रॉबैक, न्यूलैंड
का आप लोगों को सक्सेस पॉइंट समझ में आ गया कि इन्होंने पीरियोडिसिटी के बेस पे देखा था कि जो आपके एलिमेंट्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखे जाएंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करते हैं, एवरी एट एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करता है. तो इनका ड्रॉबैक हमने समझ में आ गया. फिर उसके बाद क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे, फिर उसके बाद आए थे लॉथर मेयर और मेंडलीव. लॉथर मेयर और मेंडलीव साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज में अपना काम कर रहे थे एंड दे वर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम की पॉइंट्स. उनके की पॉइंट्स भी सेम थे, ठीक है, लेकिन अपने जो मेंडलीव ने अपना जो पॉइंट्स थे वो पहले दे देते थे, इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. लॉथर मेयर एंड मेंडलीव, तो हम देखते हैं लॉथर मेयर और मेंडलीव के बारे में. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बाद लॉथर मेयर और मेंडलीव, लॉथर मेयर और मेंडलीव का कॉन्ट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स अ पीरियोडिक टेबल. लॉथर मेयर, ही वॉज अ जर्मन केमिस्ट. लॉथर मेयर एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट. और जो आपके मेंडली थे, ही वॉज अ रशियन केमिस्ट. वो रशिया में थे, रशियन केमिस्ट. ये जर्मनी में रहते थे, ये रशिया में रहते थे, दोनों इंडिपेंडेंटली बिना किसी को जाने सेम चीज पे काम कर रहे थे और इन दोनों के जो की पॉइंट्स थे वो भी सेम थे. लॉथर मेयर ने क्या कहा, दोनों का जो लॉ था वो सेम ही था. व्हाट वाज दैट लॉ था कि प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, physical and chemical properties of an element, physical and chemical properties of an element is periodic function of their, is periodic function of its atomic mass, of its atomic mass. मतलब क्या है कि जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करोगे तो उनकी जो एटॉमिक जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो पीरियोडिकली आफ्टर अ सर्टेन गैप दे विल रिपीट. न्यूलैंड ने बोला था हर एट एलिमेंट की रिपीट होगी, उन्होंने बोला कि आफ्टर अ सर्टेन गैप आपकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो रिपीट होंगी. और उन्होंने अरेंज किया ऐसे एलिमेंट को. लॉथर ने क्या किया, लॉथर ने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया. एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट के बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया. ग्राफ प्लॉट करके उन्होंने कुछ पैटर्न देखा कि कुछ पैटर्न उनका, ये दिस इज अ रफ डायग्राम, ये जो रफ मैं ग्राफ बना रही हूँ, उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, कुछ एलिमेंट्स की जो है वो प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. लेकिन जो लॉथर ने जो अपना क्लासिफिकेशन बताया था, दैट वाज बेस्ड ऑन अ ग्राफ, उसका ग्राफ भी बेस्ड था. तो लोग चाहते थे कि इतना कॉम्प्लेक्स ना स्टडी किया जाए. मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने अपने टेबल की फॉर्म में बनाया उसे. कहा जाता है कि मेंडलीव ने जो ताश के पत्ते होते हैं उन पर एलिमेंट्स का नाम लिखा, उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज किया, और फिर उसने देखा कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो रही हैं. मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने एलिमेंट्स को रिएक्शन करवाई. एलिमेंट्स की किसके साथ रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ. और उन्होंने देखा कि जो सेम कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब सेम केमिकल फॉर्मूला उन कंपाउंड्स का, उन्होंने उसको एक ग्रुप में रखा. देखते हैं पीरियोडिक टेबल से. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो आप लोगों की बुक में भी दी हुई है, मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाया किससे, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से. उन्होंने मेंडलीव ने क्या किया, तो इनका कंपाउंड्स बने, उनको रखा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, जिन जिन भी एलिमेंट्स के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने से जो सेम फॉर्मूला बन रहा है उनको एक ग्रुप में रखा, जो डिफरेंट जो दूसरा कंपाउंड है जो सेम आपका फॉर्मूला बना रहा है उसको डिफरेंट ग्रुप में रखा. जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में आपका आर ओ फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है. आपका सेकेंड ग्रुप है, उसमें RH2 बन रहा है, RH2 हाइड्रोजन के साथ और RO किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है. और RH किसके साथ बन रहा है,
यहाँ पे R2O आएगा, यहाँ पे RH किसके साथ बन रहा है आपका, हाइड्रोजन के साथ। तो डिपेंडिंग ऑन द वैलेंसी, उन्होंने वैलेंसी के बेस पे रखा, जैसे ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी कितनी होगी, वन होगी, वैलेंसी वन है हाइड्रोजन पे, इस पे वन है और इस पे माइनस, इस पे प्लस वन है, इस पे माइनस वन है, तो RH फॉर्मूला बनेगा। जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड ले लो आप, सोडियम पे कितना है प्लस वन, ऑक्सीजन पे कितना होता है माइनस टू, तो इसलिए उन्होंने फॉर्मूला क्या बनाया, R2O, Na2O। ठीक है, तो उन्होंने डिपेंडिंग ऑन, उन्होंने वैलेंसी के बेस पे देखते हो, उन्होंने सेकंड ग्रुप में वो ही एलिमेंट्स रखे जिनकी वैलेंसी कितनी थी, टू थी, थर्ड ग्रुप में उन्होंने वो रखे जिनकी वैलेंसी थ्री थी, फोर्थ में जिनकी वैलेंसी फोर थ्री, फिर आपका लास्ट सेवन में जिनकी, सेवंथ ग्रुप में जिनकी वैलेंसी कितनी थी, सेवन थी, एट्थ ग्रुप में जिनकी आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे आपके, उन्होंने उसकी वैलेंसी के बारे में कोई बात नहीं करी। ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में देर आर एट ग्रुप्स, आठ ग्रुप हैं, देर आर एट ग्रुप्स एंड सेवन पीरियड। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में आपके क्या है, आठ ग्रुप हैं, एट ग्रुप्स, और ग्रुप्स में भी आपके क्या है, सब ग्रुप्स हैं, ग्रुप वन से लेके सेवन तक, ग्रुप वन से लेके सेवन तक आपके क्या है, सब ग्रुप्स हैं, किसमें, ए में और बी में, ये क्या है आपके सब ग्रुप्स। और आपके ग्रुप होते क्या है, ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स क्या है, वर्टिकल कॉलम्स, आपके वर्टिकल कॉलम्स, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स। और उन्होंने कहा कि देर आर सेवन पीरियड्स, इसमें सेवन क्या है, पीरियड्स हैं, सेवन पीरियड्स हैं, और पीरियड्स क्या होते हैं आपके, हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स में आपकी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पे आपका मेटल से नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ग्रुप्स में आपकी क्या रहती है, ग्रुप्स में वैलेंसी सेम रहती है, ग्रुप्स में क्या सेम रहता है, वैलेंसी सेम, सेम वैलेंसी। और आपकी सब ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज सेम रहती है, सब ग्रुप्स में आपकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है, प्रॉपर्टीज सेम। सो दिस इज हाउ ही क्लासिफाइड, मेंडेलीन ने ऐसे अपना क्लासिफिकेशन किया था। नाउ व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ, यानी कि मेरिट्स क्या थे आपके, किसके, मेंडेलीव के, मेंडेलीव के मेरिट्स क्या थे कि उन्होंने सारे 63, जैसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स से, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, बट ही वॉज नॉट एबल टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स। सो फर्स्ट अचीवमेंट तो आपकी मेंडेलीव की यही थी, दैट ही अरेंज ऑल द 63 एलिमेंट्स, उन्होंने सारे 63 एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। मेरिट्स लिखते हैं, मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की क्या मेरिट्स थे, दैट ही अरेंज ऑल द 63 एलिमेंट्स, उन्होंने सारे 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। दूसरा, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक वेट के साथ साथ क्या हो रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, हम कह सकते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। जैसे जैसे आपका एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, ऐसी आपकी प्रॉपर्टी भी उसी रेशो में बढ़ रही है। ठीक है, थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट ही लेफ्ट सम स्पेसेस, उन्होंने कुछ स्पेसेस छोड़ दिए पीरियोडिक टेबल में, किसके लिए, कि न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और जब वो डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई, और उन्होंने उनके लिए गैप छोड़े। जैसे उन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे एक गैप छोड़ा, एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ा, उसको उन्होंने नाम दिया इका एल्यूमिनियम। उन्होंने सिलिकन के नीचे एक गैप छोड़ा जिसका उन्होंने नाम दिया इका सिलिकॉन। ठीक है, जब वो डिस्कवर हुए तो इका एल्यूमिनियम को उन्होंने क्या, गैलियम, और जब वो डिस्कवर हुए तो उन्होंने इका सिलिकॉन को क्या कहा, जर्मेनियम। ठीक है, तो ही लेफ्ट स्पेसेस इन पीरियोडिक टेबल स्पेसेस
spaces in periodic table for some undiscovered elements. For some undiscovered elements. और उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई. उन्होंने बताया कि उनकी प्रॉपर्टीज ये होंगी जब वो डिस्कवर होंगे. उनके लिए उन्होंने जगह छोड़ी. ठीक है, उन्होंने क्या नाम दिया उनका? इका एल्यूमिनियम. इका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे इका एल्यूमिनियम. और जो उन्होंने सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ी थी उसको क्या नाम दिया? इका सिलिकॉन. इका सिलिकॉन. ठीक है, सो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि उन्होंने जगह छोड़ी. और जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, दूसरी चीज, जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उनको सेपरेट ग्रुप में रखा गया. सेपरेट ग्रुप में रखा गया और इसलिए पूरा जो आपका क्लासिफिकेशन है, जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, वो डिस्टर्ब भी नहीं हुआ. जैसे आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में था, न्यूलैंड ने कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी. ठीक है, जब जब भी नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला. नोबल गैसेस के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला. तो मेंडलीव का सबसे बड़ा पॉइंट जो था नोबल गैसेस के लिए वो भी यही था कि व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड दे प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप. और उससे कोई अरेंजमेंट डिफर भी नहीं हुआ या डिस्टर्ब भी नहीं हुआ. ठीक है, सो दीज आर द मेरिट्स. नाउ कमिंग टू द डीमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आपके सिमिलर एटम्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा. जैसे आपका गोल्ड और प्लैटिनम, गोल्ड एंड प्लैटिनम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज लेकिन उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा हुआ है. तो पहला तो आपको ये है कि गोल्ड और प्लैटिनम को उन्होंने क्या रखा, डिफरेंट ग्रुप्स में रखा. सो दिस वाज अ डिफेक्ट. सेकंड वन है ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एटम्स टुगेदर. ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एटम्स टुगेदर. एलिमेंट्स टुगेदर. डिसिमिलर एलिमेंट्स, जैसे कि आपका पोटेशियम को कॉपर के साथ रखा हुआ है. ठीक है, पोटेशियम को कॉपर के साथ रखा हुआ है और आपका रुबीडियम को सिल्वर के साथ रखा हुआ है. तो ये क्या है, डिसिमिलैरिटीज हैं. बिकॉज कॉपर तो कभी पोटेशियम जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, सिल्वर कभी रुबीडियम जैसी प्रॉपर्टीज नहीं शो करता है, लेकिन इनको फिर भी एक सेम ग्रुप में रखा हुआ है. सो दिस इज द अनदर डिफेक्ट जिसमें आपका पोटेशियम कॉपर रुबीडियम सिल्वर को रखा हुआ है. ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स. पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स. पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स, आपका आप सब लोगों को पता है आइसोटॉप्स क्या होते हैं. आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है. ठीक है, जैसे कि आप किसके आइसोटॉप्स ले लीजिए, कार्बन. कार्बन का 6C12, 6C13, 6C14, ये तीन आइसोटॉप्स होते हैं. और आपकी पीरियोडिक टेबल जो मेंडली पीरियोडिक टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन द इन दिस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है. ठीक है, लेकिन कार्बन है, कार्बन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं 12, 13 और 14. तो कार्बन की तीन डिफरेंट पोजिशन होनी चाहिए. कार्बन की तीन डिफरेंट पोजिशन होनी चाहिए क्योंकि तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा गया, लेकिन ऐसा तो इस पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं. तो दिस वाज अनदर डिफेक्ट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स की पोजिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स होते हैं, आपका हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, तो उनकी पोजिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सो दिस वाज अनदर डिफेक्ट. नाउ द फोर्थ वन आपका क्या है कि कुछ जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था वो पहले रखे गए थे देन द एटॉमिक मास ऑफ द अनदर वन. जैसे आपका है कोबाल्ट एंड निकिल. कोबाल्ट और निकिल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है, 58.93 और निकिल का कितना है, 58.71. कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है, निकिल का एटॉमिक मास कम है. कोबाल्ट का ज्यादा है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट है दैट इज मोर देन एटॉमिक वेट ऑफ निकिल. ठीक है,
लेकिन आपकी जो पीरियोडिक टेबल थी मेंडली पीरियोडिक टेबल, उसमें तो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था, तो ये इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था दैट व्हाई द कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर द निकल, निकल से पहले क्यों रखा गया। फिर आपका फिफ्थ डिफेक्ट क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिफ्थ डिफेक्ट दैट द पोजिशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की पोजिशन को भी मेंडली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। पोजिशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, एंड द लास्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी ये प्रॉपर्टीज क्यों रिपीट हो रही है आफ्टर अ सर्टेन गैप ऑफ एटॉमिक मास, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर आए थे आपके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मेंडलीव के बाद मूजले आए, हेनरी मूजले, उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक नंबर पे, नॉट ऑन द मास। ठीक है, तो उन्हीं के स्टेटमेंट के बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज कौन सी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर का, नॉट ऑन द मास। अब आप सब लोगों को फेमिलियर है, पहले जो आपकी मेंडलीव तक था दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, अब जो किसी भी एटम का मास होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से मास होता है। ठीक है, लेकिन क्या न्यूक्लियस किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स। ठीक है, तो इसलिए, और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन बताता है, एटॉमिक नंबर, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, वही क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वो पीरियोडिक फंक्शन होती है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑन द मास, राइट। तो जो डिफेक्ट था आपका मेंडली पीरियोडिक टेबल का दैट मेनली वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स की पोजिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मेंडलीव, यही था। तो आइसोटॉप्स क्या होते थे, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता था, क्योंकि एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम है तो उनकी एक ही पोजिशन रहेगी, तो दिस ड्रॉबैक वॉज सॉल्व। प्लस दूसरा आपका जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजिशन थी मेंडली पीरियोडिक टेबल में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो आपका किसने एक्सप्लेन किया था, एटॉमिक नंबर के बेस में, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका एक्सप्लेन हुआ था। वहां था आपका हाइड्रोजन पोजीशन की, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक भी एक्सप्लेन्ड नहीं है कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए उसको ग्रुप 1 में रखा हुआ है, ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं, बट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट एक्सप्लेन्ड। ठीक है, एंड द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, जो मेंडलीव था वो पीरियोडिसिटी का कॉज नहीं बता पाए थे कि प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों हो रही है, बट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे रखा गया, पहले ये समझ, जैसे ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 में वो एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि जिनकी वैलेंसी सेम है, तो क्योंकि ग्रुप टू है तो ग्रुप 2 में एलिमेंट्स वो रखेंगे जिनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एंड दे हैव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होती है, जैसे ग्रुप 1 है NS1 कॉन्फिगरेशन होती है, ग्रुप 2 है NS2 कॉन्फिगरेशन होती है। तो द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज अ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में, ग्रुप में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं एंड देर आर 7 पीरियड्स हैं और 18 क्या है आपके ग्रुप्स हैं। अगर मैं ग्रुप की बात करूँ, ग्रुप में हमारा क्या क्या सिमिलर होता है, ग्रुप में सबसे पहला
अगर आपके किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स रखे हुए हैं तो उन उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन एनी पर्टिकुलर ग्रुप. किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके क्या होंगे, सेम होंगे. तो देख रहे हो आप कितना सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया है कि फर्स्ट ग्रुप है तो उन सबकी वैलेंस शेल में से ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 यानी कि 2.1 वन इलेक्ट्रॉन है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281 आपका, फिर पोटेशियम है 2881. तो इन सब की वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन है. सेकंड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ग्रुप की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक बेरिलियम, बेरिलियम 2.2, मैग्नीशियम 282, कैल्शियम 2882, ठीक है. तो इन सब की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है. तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि ऐसे क्लासिफिकेशन किया गया है, ऐसे ग्रुप में रखा गया है. सेकंड पॉइंट अबाउट द ग्रुप इज दैट कि डिफरेंट ग्रुप्स की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम होती है. लाइक जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप की सबकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप वन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, ग्रुप वन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन विल बी NS1. ग्रुप टू की जनरल कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, NS2, क्योंकि इन सब की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो एवरी ग्रुप हैज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उन सब उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल सेम होगी, ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन देता है आपका पीरियड. अब अगर मैं ग्रुप की ये आपका इन्फॉर्मेशन देता है ग्रुप, अगर मैं पीरियड्स की बात करूं, हमने ग्रुप्स देख लिया कि कैसे एलिमेंट्स को रखा हुआ है. ग्रुप 13 है तो उनकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 15 है तो 5 है, 16 है तो 6, 17 है तो 7 और 18 है तो 8. पीरियड में एलिमेंट्स को ऐसे रखा गया है कि इन सब की वैलेंस शेल सेम हो. लाइक फर्स्ट ग्रुप है तो इनकी जो वैलेंस शेल होगी वो फर्स्ट ही होगी, ठीक है. तो ये बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फर्स्ट ग्रुप है जैसे हाइड्रोजन है तो फर्स्ट ही शेल है, हीलियम है तो कौन सी शेल है, 2 ही है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो फर्स्ट वाली शेल में आपके फर्स्ट वाले ग्रुप पीरियड में आपके एक ही शेल है. सेकंड अगर मैं पीरियड की बात करती हूं तो इसमें जो आपकी शेल होगी दैट विल रिमेन 2, इलेक्ट्रॉन्स फेल होते जाएंगे लेकिन आपके शेल सेम रहेगी. जैसे हम ले लेते हैं लिथियम का एग्जांपल लेके समझते हैं. स्टार्ट करते हैं लिथियम का. पीरियड की हम बात कर रहे हैं, पीरियड में आपका लिथियम है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 3 है, द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 1s2 and 2s1, ठीक है. फिर आपका क्या होगा, इसी पीरियड का हम एलिमेंट ले लेते हैं फ्लोरीन, ठीक है. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p 4 तो फिल हो चुके हैं, कितने बचे, 3. लिथियम और फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी तो आप देख रहे हो जो शेल है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जो शेल है वो आपकी सेम ही रही, यानी सेकंड ही शेल रही. या फिर आप नियॉन ले लीजिए, नियॉन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, नियॉन का कितना होता है, 10, 1s2 2s2 2p 6, तो रही आपकी शेल कितनी, शेल सेकंड ही रही. तो हमें कोई भी पीरियड में एलिमेंट्स को ऐसे रखा गया है कि उनमें अगर सेकंड पीरियड में रखा गया है तो मतलब उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वैलेंस शेल सेकंड होगी. अगर थर्ड पीरियड में रखे हुए एलिमेंट्स तो मतलब उसमें थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी वैलेंस शेल कितनी होगी, थर्ड होगी. अगर आपके एलिमेंट्स को रखा गया है फोर्थ पीरियड में तो उन सबकी वैलेंस शेल कितनी होगी, फोर्थ होगी. फिफ्थ पीरियड में रखा हुआ है, फिफ्थ वैलेंस शेल होगी. सिक्स पीरियड में रखा हुआ है, सिक्स वैलेंस शेल होगी. और सेवन्थ पीरियड में रखा है तो सेवन्थ वैलेंस शेल होगी, ठीक है. तो दिस इज हाउ द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल. और फिर आपके नीचे रखे हुए लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स की पोजीशन यहाँ पे ग्रीन कलर का बना हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से 57 से लेके आपका 71 तक ये यहाँ पे रखा हुआ है. और फिर आपका दिस इज द लैंथेनॉइड सीरीज एंड दिस इज द एक्टिनॉइड सीरीज,
एक्टिनाइड सीरीज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड दिस सीरीज इज प्लेस्ड ओवर हेयर. तो ये क्योंकि इन सब में कौन से इलेक्ट्रॉन्स फेल होते हैं, आपकी एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. अभी मैं इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगी. पहले आपने ग्रुप और पीरियड्स आपको समझ में आ गई कि ग्रुप में आपका क्या सेम रहता है, वैलेंसी सेम रहती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं. पीरियड्स में आपका क्या सेम रहता है, शेल सेम रहती है. अगर सेकेंड पीरियड में तो सेकेंड शेल, फर्स्ट में तो फर्स्ट शेल. तो फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है पीरियोडिक टेबल का कैसे, ब्लॉक्स में. ठीक है, अब आपका एस ब्लॉक है, आपका पी ब्लॉक है, आपका डी ब्लॉक है और आपका एफ ब्लॉक है. एस पी डी एंड एफ. एस वाले जो होते हैं दैट इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट. एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपके ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. ये दो ग्रुप्स में एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. क्यों कहते हैं इनको एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है. ठीक है, जैसे आपने लिथियम ले लिया, लिथियम का कॉन्फिगरेशन कितना, 1s2 2s1. इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में जा रहा है, एस सबशेल में जा रहा है. ठीक है, तो ये इसलिए इस एलिमेंट को कहां रखा गया है, एस ब्लॉक में रखा गया है. फिर बेरिलियम आप ले लो, बेरिलियम का कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 1s2 and 2s2 हो जाएगा. उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी किस में जा रहा है, एस सबशेल में जा रहा है. तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. एंड एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स हैं इसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, देन देर इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट. P block elements that is starting from 13 to 18 group के जो elements होते हैं उनको हम P block elements कहते हैं. क्या कहते हैं इनको, P block elements. क्यों कहते हैं इनको P block elements, because their last electron goes into the P subshell. इनका last electron P subshell में जाता है. जैसे आपका लिखा हुआ है मैंने fluorine, fluorine इस particular block में आ रहा है. ठीक है, तो इसमें अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p3, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में जा रहा है, पी में जा रहा है. दैट इज व्हाई इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट. इसलिए ये सारे एलिमेंट्स जितने भी ग्रुप 13 से लेके 14-18 तक हैं, ये सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक में है, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में ही जाएगा. ओके, देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. इन जो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12. ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर हम उनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में जाता है, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. जैसे इसका कोई भी एग्जांपल उठा दो, आप मैंगनीज ले लीजिए. ठीक है, मैंगनीज का कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25. कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए, 10 18 4s2 and 3d5. आप देख रहे हो क्रोमियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में जाता है, इसलिए ये सारे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाएगा उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दीज आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर रखा हुआ, क्योंकि ये सारे तो हमने क्या कह दिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इनको सेपरेटली रखा हुआ है, क्योंकि इन सब में इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, एफ सबशेल में जाता है, इसलिए इनको सेपरेटली रखा गया है आपके पीरियोडिक टेबल में. नाउ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की. ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फिगरेशन क्या है, वॉट विल बी द जनरल कॉन्फिगरेशन. अगर ग्रुप 1 होगा तो NS1, अगर ग्रुप 2 होगा तो NS2. तो जनरल कॉन्फिगरेशन, पहला पॉइंट आता है हमारा जनरल कॉन्फिगरेशन, दैट इज NS122. NS122 ये पूरे ब्लॉक की है. अगर आपका फर्स्ट ग्रुप होगा तो NS1 और N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, और अगर ग्रुप 2 होगा तो NS2. सेकेंड वन, ग्रुप जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स, कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स. दो ग्रुप्स हैं इसमें, टू ग्रुप्स. कौन कौन से हैं वो ग्रुप्स, पहला है आपका फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ग्रुप वन को हम क्या कहते हैं, एल्किली मेटल्स. ठीक है, और ग्रुप टू को हम क्या कहते हैं, ग्रुप टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. आपके ग्रुप वन और ग्रुप टू यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे क्या होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं. दे आर सॉफ्ट मेटल्स होते हैं.
Fourth one, that they impart characteristic color to the flame except beryllium and magnesium. They impart characteristic color to the flame. Color to the flame except beryllium and magnesium. Fifth point, that they all form ionic compound. Ionic compound बनाते हैं. Ionic compound electron की loose और completely loose और gain करने की वजह से बनता है. तो ये अपना एक electron loose करते हैं group 1 elements, group 2 elements दो electron loose करते हैं और ionic compound बनाते हैं. Form ionic compounds. ठीक है. Then sixth point, that they are good conductor of electricity because of the free electrons, because they are metals. They are good conductor of electricity. So these are some characteristics of S block elements, starting from their general configuration to their properties. Now moving on to the P block elements की हम बात करते हैं. ये आप सब लोगों ने लिख लिया, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे. नेक्स्ट है फिर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स. नेक्स्ट वन इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट वन इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन. जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की? NS2 NP126. वन से पी कैन, सिंस पी कैन अकोमोडेट ओनली द सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, सो NS2 NP126. वेर एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. सेकेंड वन, that they consist of, like S block में आपका क्या था, metals थे सारे. They consist of metals, non-metals and metalloids. Consist of metals, non-metals and metalloids. Okay. Then group 18 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोबल गैसेस. group 17 हैलोजन्स, जिसका क्या मतलब होता है, सी सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स. ठीक है, जैसे आपको क्लोरीन है, दैट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्ट विद सोडियम क्लोराइड. देन ग्रुप 18 को हम कहते हैं नोबल गैसेस. 18, 17 को हम कहते हैं हैलोजन्स. देन ग्रुप आपका 16, दैट इज कॉल्ड चालकोजन्स. चालकोजन मतलब होता है और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, और फॉर्मिंग कंपाउंड्स, जो ओर्स बनाते हैं. ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. मूविंग ऑन टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे चलते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वॉट विल बी द कॉन्फिगरेशन? जनरल कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज N-1 D1 to 10 NS1 to 2. दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. क्यों? क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेट शेल में जाता है, मतलब लास्ट से सेकेंड शेल. जो आपकी लास्ट शेल होगी उससे सेकेंड शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसलिए हमको क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल में आपका इलेक्ट्रॉन जाता है, पेनल्टीमेट शेल. ठीक है, तो आप इसकी कॉन्फिगरेशन लिखिए, फिर इसे कोरिलेट कीजिए कि कैसे कॉन्फिगरेशन आती है. वेयर एन इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. आपका सेकेंड वन, दैट इज डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ मेटल्स. इनमें क्या होता है, हैवी मेटल्स होते हैं, मेटल्स. एंड दे हैव अ प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी होती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, विद द कॉम्प्लेक्स बनाने की आपकी टेंडेंसी होती है. दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस
कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो करते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. दे फॉर्म एलॉयज, एलॉयज बनाते हैं. एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और नॉन मेटल्स, दे फॉर्म एलॉयज. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. नेक्स्ट वन आपका क्या रहता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फिगरेशन, जनरल कॉन्फिगरेशन एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन, एन माइनस वन डी जीरो टू वन, एन एस टू, एंड दे हैव एंटी पेनल्टीमेट शेल, मतलब लास्ट से थर्ड शेल एन माइनस टू, तो इनका क्या है? एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल. ओके, दे ऑल आर मेटल्स, हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स. दे ऑल्सो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. दे कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, टू सीरीज, दो सीरीज है. एक तो कौन सी? आपकी 4F वाली, जिसको हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, लेंथेनाइड सीरीज, और एक है आपकी 5F, दैट इज एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज. ओके, देन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हैवी मेटल्स, दो सीरीज होती है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, एंड द लास्ट वन दैट इज मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स होते हैं किसके, एक्टिनाइड सीरीज के, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव. वो सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव. ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव, ऑफ एक्टिनाइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव. सारे क्या होते हैं आपके? रेडियो एक्टिव. ओके, देन जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी ब्लॉक. हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की बात कर ली. अब मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो नीचे जाने पे आपका बढ़ जाता है. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज इंक्रीज होता है. वो हम हर प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे एटॉमिक साइज में. तो हमने अभी तक क्लासिफिकेशन और इनका ट्रेंड, हर एक ब्लॉक का ट्रेंड हमने पढ़ लिया है. नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट होता है जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है. तो उसके लिए नॉमन क्लेचर हमें पढ़ना है, दैट इज नॉमन क्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100. तो उस नॉमन क्लेचर के लिए कुछ डिजिट्स हैं और उनके नाम दिए गए हैं. जीरो है तो आप उसे निल लिखोगे, ठीक है? नाम में आप निल लिखोगे, एब्रीवेशन है उसका एन. ओके, वन है तो उसे उन, एब्रीवेशन यू. टू है तो बाय, एब्रीवेशन बी. थ्री है तो ट्राई, एब्रीवेशन टी. फोर है तो क्वाड, एब्रीवेशन क्यू. फाइव है तो पेंट, एब्रीवेशन पी. सिक्स है तो हेक्स, एब्रीवेशन एच. सेवन है तो सेप्ट, एब्रीवेशन एस. एट है तो ऑक्ट, एब्रीवेशन ओ. नाइन है तो आप उसे नॉन बोलोगे या फिर इन बोलोगे, और एब्रीवेशन ई. ओके, तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल दैट वी हैव टू राइट द एटॉमिक नॉमेनक्लेचर ऑफ 120 का आपको नॉमेनक्लेचर लिखना है. तो वन इज व्हाट? उन. तो आपने लिख दिया उन. टू इज व्हाट? बाय. तो उन बाय. जीरो इज व्हाट? निल. और फिर लास्ट में आपको लगाना है ईएम, आई यू एम. तो इसका नाम क्या हुआ? उन बाय निलियम. और इसका एब्रीवेशन अगर आप लिखोगे तो व्हाट विल बी? यू. उन, उनके लिए क्या है? यू है. यू बी एंड, यू बी एंड एन, यू बी एन विल बी द एब्रीवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंबल. हम कह सकते हैं 120 का सिंबल यू बी एन, और जो नॉमेनक्लेचर होगा दैट विल बी उन बाय निलियम. ओके, देन वी हैव टू राइट द नॉमेनक्लेचर ऑफ 111, जिसका एलिमेंट का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 111. सो आप कैसे लिखोगे? उन, उन तीन बार, उन उन उनियम, ठीक है? और इसका यू यू यू. आपको 101 का लिखना है, 101. तो कैसे लिखोगे? उन निल उनियम, उन निल उनियम, एंड द सिंबल विल बी यू एन यू.
ठीक है. सो दिस इज हाउ यू राइट द नेम ऑफ कंपाउंड्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100. ओके.